साहब नेताओं के मुंह से विश्वास की बातें बेईमानी सी लगती हैं, झूठे नेताओं के बीच सच्चाई अनजानी लगती है। न जाने कितने झूठे किस्से हैं झूठे नेताओं के, करे कोई नेता ईमानदारी तो मेहरबानी लगती है। जी हाँ, सही कहा ना, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई नेताओं ने जीत हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लिया है, तो कुछ नेताओं ने सच भी कहा तो वह भी झूठ लगा। खैर, फिलहाल के लिए इन सब चुनावी प्रचारों से जनता को राहत मिल गई है। बता दें कि राजस्थान में चुनाव प्रचार अभी थम गया है और अब आखिरी चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद पूरे देश भर की नजरें चुनाव परिणामों पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि देश के नेताओं ने प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर हमले किए और जनता से तमाम वादे किए। कई बार ऐसे मौके भी आए जब उन्हें अपनी बात को कहने में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, बयानों पर एक्शन भी लिया गया। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पनौती, जेब कतरा जैसी टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आयोग ने इसे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना है। इस मामले पर 25 नवंबर तक जवाब पेश करने का समय दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 21 नवंबर को बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने कहा था, जेब कतरे होते हैं, जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है और आपके सामने आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, पीछे से दूसरा आता है और जेब काट लेता है फिर चला जाता है, मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। राहुल गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने और आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पर आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच को चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। राहुल गांधी ने आगे कहा, कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी आगे पीछे, पूरा का पूरा फायदा 4 से 5 उद्योगपतियों को देगा। उदाहरण देता हूँ, पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है और इन्हीं बयानों की वजह से अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दे कि पीएम पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारे पास जो भी नोटिस आएगा हम उसको फेस करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान निर्वाचन विभाग ने कांग्रेस की ओर से जारी 7 गारंटी के विज्ञापन पर रोक लगा रखी है। खैर, राजनीतिक गलियारों में यह सब बहुत सामान्य हो गया है। आखिरी फैसला जनता करेगी कि वो किससे अपना नेता चुनेगी, किसके सिर पर जनता जीत का ताज सजाएगी। फिलहाल के लिए राजनीतिक गलियारों में इतना ही, जल्द रूबरू होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।